थैंक यू इफ्तिखार साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब असलम गुरदासपुरी साहब से। मजूस खवातीनों हजरात, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनके अहद के बारे में आप हमारे दोनों उन दोस्तों से बड़ी तफसील से बात सुन चुके हैं जो उस अहद के ना सिर्फ गवाह थे बल्कि खुद जाती तौर पर अमली तौर पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जद्दोजहद में शरीक थे। और एक एक लम्हे की बात उनके जहन में अब तक मौजूद है। ये तहरीक का सबसे बड़ा कमाल होता है कि इसके लम्हे कोई भूल नहीं सकता। मैं चूंकि वो ये बातें बड़ी खुलकर साफ कह चुके हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरा उन्होंने जिक्र कर दिया है कि मैं भी साथ था। मैं आज यहाँ भुट्टो डॉक्ट्राइन पर बात करूंगा। ये किसी वहम की बात नहीं, किसी फिक्र की जरूरत नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो को कोई मानता है कि नहीं मानता। ये किसी फिक्र की और किसी ऐसी फिक्रमंदी की कोई बात नहीं कि कोई उसका मुखालिफ है। यही तो उस शख्स की अजमत का कमाल है कि उसे हर रंग में लोग याद कर रहे हैं। याद रखिए कि तारीख की शख्सियतें जो होती हैं, तारीख में बहुत सारे लोग होते हैं। तारीख में आना और तारीखी शख्सियतें में आना या शख्सियतें बन जाना, ये बड़ी तादाद में होते हैं लोग, बेशुमार लोग होते हैं, लेकिन तारीख साजी करना करने वाले बहुत चंद लोग होते हैं। तारीख बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो तारीख की उस खेप में नहीं है जिनका तारीखें जिक्र किया करती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो तारीख के उस सफे पर उनका नाम जिंदा है जो खुद करते हैं, अपनी तारीखें खुद रकम करते हैं, जो अपनी तारीखें खुद लिखते हैं, जो उनके अफकार उनकी तारीखें लिखते हैं, उनके अमाल उनकी तारीखें लिखते हैं, उनका हर कदम उनकी तारीख होता है, उनका हर लफ्ज उनकी तारीख होता है। और ये लोग अपनी मंतहाओं के लोग होते हैं, इनके लिए कोई ऐसी किसी रहम की जरूरत नहीं होती। ये अपनी इंतहाओं के इंसान हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं और तारीख के सबसे बड़े लोग होते हैं। ये अपनी फिक्र में भी इंतहा रखते हैं, ये अपने इल्म में भी इंतहा के लोग होते हैं, ये अपनी दोस्ती में भी इंतहा के लोग होते हैं, ये अपनी दुश्मनी में भी इंतहा के लोग होते हैं, ये अपने इरादों में इंतहा के लोग होते हैं। ये हर एंगल और हर अंदाज में ये बड़े इंसान होते हैं, ये सरबुलंद लोग होते हैं। ये मंबर पर हो तब भी सरबुलंद होते हैं, ये दार पर भी हो तो सबको नजर आया करते हैं। ये सरफरोश और ये सरकश लोग जो तारीख के हैं दीवाने, इनको ना फांसियां मारती हैं ना इनको गोलियां मार सकती। ये जितने भी हथियार और जितने भी दुनिया में बैटम बम जो कुछ बना रखा है दुनिया ने, जो कुछ लोगों ने बना रखा है, वो इन इंसानों को नहीं मार सकता। ना कभी अदवार इनको मार सके हैं, ना सदियां मार सकी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के पहले वो इंसान थे जो एक रियासत का तसव्वुर रखते थे, जो एक मुल्क का शऊर रखते थे। इस मुल्क में उनसे पहले कायद आजम के बाद ना तो किसी सियासतदान को इल्म था कि रियासत की तकमील किस तरह करनी है, और ना यहां के जर्नैलों को पता था कि रियासत किस तरह मुकम्मल होती है, ना मुल्लाओं को पता था कि रियासत के मानी क्या होते हैं। और ये रियासत जो 25 साल तक बेआईन रखी गई, इसका एहसास सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो ने किया। और
एक आइन की जिस जो जो, जो रियासत ही गैर आइनी हो, जिसका कोई कानून ना हो, कोई कायदा ना हो, और उसको लोग चलाते जा रहे थे, उस पर इख्तदार करते थे, उस पर हुकूमत कर रहे थे, तो ये भी पहला इंसान वही था। ये उसकी डॉक्ट्रिन थी कि पहले तो इस मुल्क को आइन मिलना चाहिए। फिर दूसरी डॉक्ट्रिन उनकी ये थी कि अगर तमाम दूसरी दुनिया, यूरोप की दुनिया इकट्ठी हो सकती है, जो आज वो यूनियन, यूरोप यूनियन के शक्ल में इकट्ठे हुए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 में सोच लिया था। उसने उस काल में इस्लाम को यहां इकट्ठा कर दिया। है कोई दुनिया में इस्लाम, इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क में कोई आज कोई लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ऐसा पैदा हुआ, कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ जो इन बादशाहों को यहां लाकर खड़ा कर दे, जो शाहों शेखों को यहां लाकर खड़ा कर दे, जो सुल्तानों को यहां लाकर खड़ा कर दे, जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, जो किसी को अपने कद के बराबर नहीं समझते थे, जिनकी शहनशाहतें, जकावतें और खरातें लोगों के दूसरे मुल्कों को सिर्फ खैरात देने के बराबर समझते थे, खैराती समझते थे पाकिस्तान को, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने शाही मस्जिद में सबको एक ही सप में खड़ा किया, जिसने असेंबली में, पंजाब असेंबली में सबको इकट्ठा किया, और उसी शाहों शेखों सुल्तानों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आलम इस्लाम का चेयरमैन तस्लीम किया। ये नाम आने कोई तो क्या हो जाएगा, भुट्टो भी भुट्टो का छोटा हो जाएगा, नहीं माना करते लोग, लोग पैगंबरों को नहीं मानते। ये तारीख का एक झगड़ा है, तारीख का चैप्टर है, तारीख के असबाब हैं और आंख हैं, ये अपना पूरा पूरा म्यार रखते हैं, ये पानी अपनी सतह बुलंद रखता है, हमवार रखा करता है, सियासत भी अपनी सतह हमवार रखती है। और फिर कितने मौजे या कितने किस्में ये कौम उस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से चाहती थी, क्या क्या चाहती थी। उस शख्स ने एक पार्टी बनाई जिस पाकिस्तान में पार्टी बनाने का तसव्वुर ही नहीं था। पार्टियां थीं, जो पार्टियां थीं वो एस्टेब्लिशमेंट की भी टीमें थीं, और जो उनके साथ नहीं थी वो बेअसर थी। ऐसी मौजूद थी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थे, ऐसे लोग मौजूद थे, तरक्की याफ्ता थे, तरक्की पसंद थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनके बड़े हौसले थे, वो कम्युनिज्म की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मुर्गी के नीचे से अंडा निकाल ले। और जो थे, कुछ अपनी सह रखते थे, वो सारे सारे उनकी बी टीम थे, वो उनके कहने पर खेलते थे, वो जहां कहते थे गोल करते थे, जहां कहते थे वो फाउल करते थे। तो ये सियासत, इस तरह की पाकिस्तान की कौमी सियासत थी जिसमें उस शख्स ने, ये बड़े इंसान जो है तारीख के, हर चीज खुद अपनी पैदा करते हैं, ये मारा हुआ शिकार नहीं खाया करते। जहां मुर्दार खाने की लोगों को आदत थी, सियासत तो लोग करते थे लेकिन खुद अपना शिकार नहीं मारते थे, खुद शिकार नहीं करते थे, खुद सीखते नहीं थे, भागते नहीं थे। तो शख्स ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने अजायम की, अपने मकसद की, अपने मकासद की, अपनी फिक्र की, अपनी सोच की पार्टी यहां बनाई, और उस पार्टी के सिर्फ चार पॉइंट थे, चार असूल थे, कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं, कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मीशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। बस ये क्या था, एक शख्स की प्राइवेट कोठी में, डॉक्टर मोशर की कोठी में चंद लोग इकट्ठे हुए, 200-250 होंगे ऐसे लोग, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, जिनका चेहरा कोई नहीं जानता था, ना कोई उस वक्त मुझे जानता था, ना इफ्तिखार को जानता था, ना अपने दूसरे अभी चौधरी या उनको जानता था, ना ये शाह साहब को कोई जानता था, ना जहांगीर बदर को कोई जानता था, ना हमारे बाप को कोई जानता था, ना हमारे असासे थे, ना हमारे खानदान थे। ये वो इस तरह के कच्ची आबादी के लोग, हम जैसे कमी कमीन लेकर वो वहां बैठा, और उसने ये चार पॉइंट, चार असूल मुरतब करके ऐलान किए, तो बुले शाह वाली बात हो गई।
کہ عرش بل کنارے عرش کنارے بانگا ملیاں تے محلی پہ گیا شور تیری بکل دے وچ چور. تو یہ چار لفظ کہے اس نے. تو پھر آگے پوری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی, اس نے چار لفظوں سے اس ملک کی پولرائزیشن کی. اس نے ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیا. زیادہ وقت نہیں لیا ذوالفقار علی بھٹو نے دوست دشمن بنانے میں. ایک ہی دن تھا اس کا جس دن اس نے یہ چار پوائنٹ دیے. اس دن اس کے دوست ایک طرف ہو گئے, دشمن ایک طرف ہو گئے. اب دیکھنا یہ تھا کہ دشمن سچے تھے یا دوست سچے تھے, دشمن بڑے تھے یا دوست بڑے تھے, دشمن اعلی انسان تھے یا دوست اعلی انسان تھے, دشمن عظیم لوگ تھے یا ان کے دوست عظیم لوگ تھے. یہ انہوں نے چناؤ کیا. دوستی ان کی ساتھ ہوگی کمیوں کمیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, جن کے پاس محل تھے ان کی ان سے ہوئی, جن کے پاس ممبر و محراب تھے ان کے ہوئی, جن کے پاس چھونیاں تھیں. یہ تمام بڑے لوگ پاکستان میں ایک طرف ہو گئے, پورے غریب لوگ ایک طرف ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. یوں اس شخص نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور یہ اس کی دیانت اور اس کے دوست, اس کی سوچ کی ہمت اور اس کے سوچ کی اساس اس قدر مضبوط تھی کہ اس نے ان محلوں والوں کو ان کو ان کی جڑیں اکھاڑ دی, ان کے تخت گرا دیے, ان کے تاج اچھال دیے, ان کے خاندان برباد کر دیے. یہ اس شخص کا انقلاب تھا, یہ اس شخص کی فکر کا انقلاب تھا کہ اس نے اسلم الداس پوری کو ممبر بنا دیا, تاج کسی علادتے کو ممبر بنایا. یہاں کوئی سوچ سکتا تھا اس فکر کے بارے میں, اس تبدیلی کے بارے میں؟ لیکن وہ اکیلا تھا. یہ ابتدا تھی, اس کی فکر کی ابتدا تھی. تاریخ میں چار پانچ سات سال دس سال کچھ نہیں ہوتے. اس کے دشمن کے پاس بڑی تاریخ تھی, ان کے بڑے وسائل تھے. اور اس کا دشمن صرف مقام میں یہی نہیں تھا, اس کا دشمن سامراج بھی تھا جس کو اس نے للکارا تھا. اور وہ تاریخ میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ سامراج کے سب سے بڑے دشمنوں میں آتا ہے. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی عوام کی نہیں, ایشیا پورے کی پوری دنیا کے غریب عوام کا آج بھی وہ قائد تسلیم ہوتا ہے. اور وہی شخص تھا جس نے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک ایسی فکر کی اپنا قیادت کا تصور دیا کہ پھر لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی کاپی کیا کرتے تھے, پھر دوسرے لوگ بھی بھٹو بننا چاہتے تھے, جس طرح کہ قذافی نے بعد میں وہ کردار ادا کرنا شروع کیا, جس طرح دوسرے لوگوں نے شروع کیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو تو وہ تھا جو قیادتیں صرف پاکستان کو جس نے نہیں دی, اس نے عالم اسلام کو بھی قیادت دی, اس نے دوسری دنیا کو بھی سیادت دی. لیکن اس کی فکر تو کسی کی بھی مسلمان اور کافر نہیں ہوتی. کیا سوشلزم ہماری معیشت ہے؟ معیشت کوئی کافر ہوتی ہے؟ معیشت مسلمان ہوتی ہے یا ہندو ہوتی ہے؟ لیکن یہاں اس کی جو کچھ ہوا وہ سامنے ہوا کہ تمام انہیں کافر کہا گیا, پیپل پارٹی کو کافروں کی پارٹی کہا گیا, پاکستان کی میجارٹی عوام جو ان کے ساتھ تھے اسے مودودی نے کہہ دیا تھا کہ یہ قوم کافر ہو گئی ہے جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی فتح ہوئی تھی. یہ ہمارا ماضی ہے, اس ماضی میں ہم نے زندگی گزاری ہے. اور اس سے یہاں سے آپ اپنا مستقبل دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو صرف ان محلوں اور جلسوں گاہوں تک نہیں گیا, پھر وہ پھانسی تک بھی گیا, پھانسی گھاٹ بھی گیا اور پھانسی کے کمرے میں بھی گیا. پھانسی گھاٹ میں, پھانسی پھندے میں اور پھانسی کے کمرے میں جا کر بڑے بڑے کو جگر, بڑے بڑوں کے جگر جن پانی پتا ہو جاتا ہے. وہ کیسا انسان تھا جو پھانسی کے کمرے میں بیٹھ کر, پھانسی کے تختے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کتابیں لکھ رہا ہے اور اپنی بیٹی کو مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر کے عنوان سے ایک خط تحریر کر رہا ہے. اور اس خط میں کہتا کیا ہے؟ اس خط میں کہتا ہے کہ بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ میرے باپ کرتا کیا تھا. میرے باپ پر قتل کا کیس بنایا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کے حساب میں میں آپ کو یہ اپنی ایک وضاحت کر دوں کہ میرا اس سوسائٹی میں جھگڑا کیا ہوا ہے. میرے دشمنوں کے ساتھ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں ان سے میرا اختلاف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹی بات صرف اتنی ہے کہ میں ٹانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوں,
मैं वो सवारी हूं जो तांगे की अगली सीट पर बैठता है और मेरे मुखालफीन वो है जो मेरी पिछली सीट पर बैठे। अब मेरा मामला यह है कि मैं जो चीज आगे है उन्हें देख रहा हूं, ये मेरे पीछे बैठने वाले जो चीज पीछे को जा रही है उसे देख रहे हैं। मैं मुस्तकबिल देख रहा हूं, ये माजी देख रहे हैं। और माजी देखने वाले अंधे होते हैं, मुस्तकबिल देखने वालों की आंखें होती हैं। अब मुझे कहते हैं कि इनसे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, इनसे कुछ समझौता कर लूं, तो मुझे बताओ मेरी बेटी कि एक आंखों वालों का, एक आंखों आंखें वालों का अंधों के साथ क्या समझौता हो सकता है। यह डॉक्ट्रिन है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि जिसमें उसने पाकिस्तान की क़यादत की और पाकिस्तान की तमाम उन तकलीफों को, उन तमाम अज़ियतों को जो कि अवाम को लोग देना चाहते थे या दे रहे थे, उस शख्स ने उनको ललकारा था, उन लोगों को ललकार दिया था। उसने उनकी वो फैक्ट्रियां लेकर अवाम को दे दी, गरीबों को दे दी, मजदूरों को दी, जमीनी मजदूरों को दी, कच्ची आबादियां बना दी। वो ऐसी चीजें ला रहा था जो अवाम के तो हक में थी, यहां के बड़े लोगों के हक में नहीं थी। तो मैं आखिरी बात आपसे करूं कि क़यादत का ताल्लुक है दयानत से, अमानत से। अब फैसला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का हमने यह करना है कि अमीन जो था, अमानत था, वो था सही। क्या अमानत भी था, अमीन भी था? तो उसकी सदाकत के लिए मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत में कदम रखा था, उनके पास एक तो उनके बाप दादा की जागीर थी, दूसरे उनके पास अल मुर्तजा था दारकाने में एक घर, और दूसरा घर उनका 70 क्लिफ्टन था कराची में। और इस पाकिस्तान के वो जिसे कहते हैं कि बेताज बादशाह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे थे। तमाम ताकतें उस शख्स के पास थी, तमाम इख्तियार उस शख्स के पास था। अब बताइए कि किसी उसने अपने बेटे, किसी बच्चे को कहीं कोई प्लाट, कहीं कोई मकान दिया, कहीं अपनी बहन को कुछ दिया, कहीं बेनजीर को प्लाट दिया, कहीं मुस्तफा को दिया हो, कहीं मुर्तजा को दिया हो, कहीं शाहनवाज को कुछ दिया हो, कहीं बेगम भुट्टो को कुछ दिया हो? ये असासे उनके थे और मरते वक्त भी वही असासे उनके निकले। क्या कहा था हाफिज ने कि खिजलत नबी किधर हसनातम न याफ्तन, बड़ी शर्मिंदगी है कि फरिश्ते आए तो मेरे घर से कुछ मिला ही नहीं। यक रोजा दुरुस्त जैसा गुशीदाई, एक रोजा दुरुस्त मिल गया जो मैंने शराब से खोला था, इसलिए मेरी नजर साफ थी। तो फिर इस शख्स पर फिर कत्ल का ही केस बनाया जा सकता था जिसके घर से कोई चोरी का माल ना निकले, जिससे कुछ ना निकले। आज की पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसके मरने पर भी वही सासे थे, जिसके सदरे पाकिस्तान होने पर भी वही सासे थे, जिसके वजीर आज़म होने पर भी वही सासे थे, जिसके लीडर होने पर भी वही सासे थे, वजीर खारजा होने पर भी वही सासे थे। आज पीपल्स पार्टी उसके दुश्मनों की पार्टी है। आज वो उस पार्टी में है जो मिठाइयां बांटी जिन्होंने जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए। आज वो उस पार्टी में बैठे हैं जिनके ड्राइंग रूम में आज भी वो कलम मौजूद है जिससे ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की तौसीक की थी। और वो लोग आज हमारे सदर पाकिस्तान के साथ इत्तेहादी है इस हुकूमत में, इस पीपल्स पार्टी की। माफ कीजिएगा, मैं इस पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं हूं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं।